हेलो दोस्तों, कक्षा 9 गणित संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं, अध्याय 1 चैप्टर 1 का हम पहला वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। और ये वीडियो लेक्चर हमारे हिंदी माध्यम यानी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हैं जो CBSE में पढ़ते हैं या RBSE में पढ़ते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम जो अध्याय 1 है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, उसके बारे में हम आज उसकी भूमिका क्लास लेंगे, यानी हम उसका क्या लेंगे, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम विभिन्न प्रकार की संख्याएँ, यानी संख्याएँ अलग अलग प्रकार की होती है। आप 6ठी 7वीं 8वीं में संख्याओं के बारे में पढ़ते आए हो और आपने संख्या रेखा भी बनाई होगी, और संख्या रेखा में विभिन्न संख्याओं को आपने दर्शाया भी होगा। तो सबसे पहली जो संख्या है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएँ यानी जो हम गिनते हैं, गिनने वाली हमारी संख्याएँ, या इंग्लिश में बोलते हैं जिनको काउंटिंग नंबर्स, उनको हम प्राकृत संख्याएँ बोलते हैं। जैसे प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 और ये फिर लगातार कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, यानी अपरिमित रूप से निरंतर चलती रहती है। और अनंत यानी ये उसका साइन है अनंत का, और इसको इंग्लिश में इन्फिनिटी भी कहा जाता है। तो सबसे पहली जो हमारी संख्या है वो कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं को प्रकट करने के लिए अंग्रेजी का जो N लेटर है कैपिटल में, उससे प्राकृत संख्याओं को दर्शाया जाता है। और प्राकृत संख्या के समूह को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, ये एक प्राकृत संख्या का क्या है, समूह है। उसके बाद जो दूसरी संख्या आती है वो है पूर्ण संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। जब हम प्राकृत संख्याओं के साथ, यानी हमने प्राकृत संख्याएं ली और उसके साथ किसको जोड़ दिया, शून्य को जोड़ दिया, यानी इंग्लिश में शून्य को ज़ीरो को जोड़ दिया, तो जो संख्याएं बनती हैं उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती है और ये लगातार फिर चलती रहती है, और अनंत यानी अपरिमित रूप से इनफाइनाइट, जिसको इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं, वहाँ तक ये लगातार चलती रहती है। पूर्ण संख्याओं को प्रकट करने के लिए अंग्रेजी का जो लेटर है W, उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो तीसरी संख्या आती है उसको बोलते हैं पूर्णांक, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। जब हम पूर्ण संख्याओं के साथ उसके ऋणात्मक भाग को भी उपयोग में लेते हैं, जैसे 1 उसका ऋणात्मक, 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, वैसे जब हम पूर्ण संख्याओं के साथ उनके ऋणात्मक भाग को भी साथ में लेते हैं, तब जो संख्याओं का समूह बनता है, यानी जो नंबर्स का सेट बनता है, उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक, या क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। मैंने ये संख्या रेखा बना रखी है, इस संख्या रेखा में शून्य लग रखा है बीच में, और शून्य से हम जब राइट साइड जाते हैं, राइट साइड, और एक क्या जाते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं। तो जब हम राइट साइड जाते हैं यानी दाई ओर जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, बाई ओर जाते हैं, तब हम क्या देखते हैं, दाई ओर जाने पे, राइट साइड जाने पे सारी जो संख्याएं हैं वो कौन सी है, घनात्मक है। घनात्मक यानी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के लेफ्ट में जाते हैं तो जो सारी संख्या है वो है ऋणात्मक पूर्णांक, जिनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स।
और फिर बीच में शून्य है जो ना तो ऋणात्मक है और ना ही क्या है घनात्मक है, ना ही पॉजिटिव है ना ही क्या है नेगेटिव है। तो पूर्णांक को तीन भागों में बांटा है, घनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, और शून्य जो ना ही ऋणात्मक है और ना ही क्या है घनात्मक है। और ये जो पूर्णांक है इसको प्रकट करते हैं अंग्रेजी के लेटर जेड से। किससे प्रकट करते हैं? अंग्रेजी के लेटर जेड से हम किसको प्रकट करते हैं? पूर्णांक को, डब्ल्यू से पूर्ण संख्याओं को और एन से प्राकृत संख्याओं को हम क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। अब इन तीनों संख्याओं में हम देख सकते हैं एक चीज़, सारी प्राकृत संख्याएं किसके अंदर आ रही है? सारी पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रही है। और सारी पूर्ण संख्याएं किसके अंदर आ रही है? पूर्णांक के अंदर आ रही है। तो पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, और पूर्ण संख्या के अंदर बस कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या ही है। इस तरह से इन तीनों संख्याओं को हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो चौथी संख्या है, फोर्थ, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याएं यानी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर। अगर आपने आठवीं कक्षा में गणित पढ़ी होगी तो पहला अध्याय यानी पहला चैप्टर ही यही था, परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर। तो ये परिमेय संख्याएं क्या होती है? तब आपने नंबर लाइन देखा, अब आपने नंबर लाइन में बहुत सारी संख्याएं देखी, जीरो देखा, वन देखा, टू देखा, लेकिन इनके बीच में भी क्या है? कुछ संख्याएं, जैसे जीरो और वन के बीच में कुछ संख्याएं और वन और टू के बीच में भी कुछ संख्याएं, तो वो कौन सी संख्या है? तो कोई भी संख्या आर है उसको हम परिमेय संख्याएं कहा जाता है। कब कहेंगे? जब हम उसको किस रूप में लिख दें? पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दें, जिसमें पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और क्यू कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं यानी जीरो नहीं होना चाहिए। ये किसका साइन है? इंग्लिश में बोलते हैं नॉट इक्वल। किसका साइन है? नॉट इक्वल यानी नहीं होना, यानी क्यू कभी भी क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता। ये हमें ध्यान रखना है कौन सी संख्याओं में? परिमेय संख्याओं में। अगर मैं कोई संख्या लिखता हूँ जैसे 1/2 जिसको हम बोलते हैं 1/2, जब अगर मैंने 1/2 लिखा तो ये p हो गया और ये क्या हो गया? q। ये p भी क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि 1 क्या है? पूर्णांक है, और 2 भी क्या है? पूर्णांक है। इसका मतलब हमने इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया, यानी हमने इसको किसके रूप में लिख दिया? p अपॉन q के रूप में। और q क्या नहीं है? शून्य नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। फिर उसके बाद अगर किसी ने 1/0 यानी 1/0 लिख दिया तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो हम देखेंगे, इसको p अपॉन q के रूप में तो लिखा, p भी पूर्णांक है और 0 भी क्या है, यानी 1 भी पूर्णांक है और 0 भी पूर्णांक है। ये पहला तो सही है, लेकिन दूसरे में क्या बोला है कि q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे q क्या हो गया? 0 हो गया। और q अगर 0 हो गया तो ये क्या नहीं है? ये परिमेय संख्या है नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या को हम लोग 0 से क्या नहीं दे सकते? भाग नहीं दे सकते। क्योंकि अगर 0 से अगर हम किसी को भी भाग इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये क्या है? अनंत जाता है। और ये हमारे समझाने के लिए अभी नहीं है, जब आप 11th में जाओगे तब आप इसके बारे में सीखने की कोशिश करोगे। लेकिन अभी अगर ये 0 से भाग हम नहीं दे सकते, ये क्या है? अनडिफाइंड है, यानी जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए 0 नीचे आ गया तो इसका मतलब आप बोल देना कि ये क्या है? परिमेय संख्या है नहीं है। अब एक सवाल आता है कि क्या सारे पूर्णांक परिमेय संख्या हैं क्या? अगर मैंने कोई पूर्णांक लिख दिया है यहाँ 5, 5 क्या है? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर है, क्या ये परिमेय संख्या है? तब हम देख के बोलेंगे कि हाँ, इसके बटे में 1 लगा दो, 5/1 हो गया, 5/1 हो गया। अब 5/1 हो गया तो ये भी p हो गया, ये हो गया q, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और q क्या नहीं है? शून्य नहीं है। तो इसका मतलब ये 5/1
क्या हो गया, परिमेय संख्याएं हो गई। तो इससे हम कह सकते हैं कि सारे पूर्णांक यानी सारे जो पूर्णांक हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं। यानी सारे पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं। अब सारे पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है और सारे ही प्राकृत संख्याएं भी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। तो इससे हम कह सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी पूर्णांक ले लो, जैसे माइनस का ले लो, आप ऋणात्मक ले लो, दो ले लो, और आप बोलो कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप बोलना इसके नीचे क्या लगा दो, एक लगा दो, तो माइनस का 2/1 हो गया। और माइनस का 2/1 यानी ये पी अपॉन क्यू की यानी पी बटा क्यू के फॉर्म में हो गया, और क्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो यानी सारे पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती है। इससे हमें पता लग गया कि सारे पूर्णांक, सारे पूर्ण संख्याएं और सारे प्राकृत संख्याएं, ये तीनों संख्याएं किसके अंदर आती है, परिमेय संख्याएं के अंदर आती है। तो इस तरह हमने चौथी जो संख्या है परिमेय संख्या है उसको हमने समाप्त यानी कंप्लीट कर दिया है, चारों तरफ की संख्याएं। अब एक चीज़ और है, परिमेय संख्याएं को किससे, अंग्रेजी के लेटर क्यू से क्या किया जाता है, प्रकट किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम इन चारों संख्याओं को संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करते हैं या कैसे इनको संख्या रेखा यानी नंबर लाइन में दिखाया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम एक्सरसाइज 1.1 को हम करेंगे, अभ्यास पुस्तिका 1.1 को हम शुरू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।